नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देखें द क्वेश्चन आर भारत। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन नए लोगों का बहुत दिल से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। कई लोगों ने बोला कि उन तक मेरा चैनल पहुँचा ही नहीं कभी, उन तक मेरी वीडियोज़ पहुँची ही नहीं कभी। तो उसके लिए किंग पोलो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने चैनल को मेरे शेयर किया, प्रमोट किया, लोगों तक मेरी बात पहुंचाई। आशा करता हूं आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, शेयर करेंगे और अपना बहुमूल्य कमेंट तो जरूर बताइएगा। और अगर जो एक्सपीरियंस, एक ग्राउंड रियलिटी शेयर करना चाहता हूं, जब मैंने उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखा है कि वाकई में कुछ ऐसी चीज हो रही है, होती थी नहीं, होती आ रही है और हो रही है, इसके बंद होने का क्या है, शायद इस वीडियो के बाद कुछ हो सकता है। और ये सब आपके हाथ में, आप किस हद तक इसको शेयर करते हैं और भारत के आज के कॉन्वेंट स्कूलों में, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आप पहुंचाते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको लिंक करने से पहले बताना चाहता हूँ कि भाषा का महत्व हमारे जिंदगी में कितना है। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि मेरी ये भाषा है, मैं भारत के मैक्सिमम आबादी तक इस भाषा का प्रयोग करके पहुंच सकता हूं और दुनिया के कई लोगों तक भी पहुंच सकता हूं, ठीक है। साउथ के भी कई लोगों को भी ये भाषा नॉर्मली सुन तो सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बोलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को फ्री में सीखने के लिए एक योजना बोल दूँ, एक पोर्टल चालू किया है और एक सेवा चालू की है कि आप फ्री में संस्कृत सीख सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, संस्कृत संस्थान करके वेबसाइट है, तो उस संस्थान से आप जुड़ सकते हैं, अपने नंबर डिटेल सब कुछ भर सकते हैं, क्लास का ड्यूरेशन जूम पे लेना है, गूगल मीट पे लेना है, कैसे भी करके आप एक शेड्यूल कर सकते हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि संस्कृत की उपज भारत से हुई है, आप लोगों को पता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक ही नहीं बल्कि हो सकता है कि सबसे पुरानी भाषा भी है, मैं क्लेम नहीं करना चाहता लेकिन कहा यही जाता है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। आप लोग शायद पता होगा, आप लोगों ने कई वीडियोस देखी होंगी, जो भारत के बाहर के कई बड़े बड़े देश हैं, बहुत समृद्ध हैं, डेवलप्ड हैं, कहने को स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो संस्कृत पे रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे ग्रंथों पे रिसर्च कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और हमें अगर कह दिया जाए कि हमें संस्कृत सीखने में रुचि भी है या संस्कृत या हिंदी भी अगर आप बोलते हैं तो आपको ऑर्थोडॉक्स मान लिया जाता है। और संस्कृत को डेड लैंग्वेज डिक्लेयर करने में लिबरल्स और सेकुलर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये बात सत्य है, 100%। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपके सामने कभी ये इंसिडेंट आया होगा तो आप कभी भी संस्कृत की बात करेंगे आपको हे ये दृष्टि से देखा जाता है, ओल्ड लैंग्वेज किसको आती है। और आप लोगों ने खुद भी जब कक्षा 8 तक आपको कहा जाता था कि अब संस्कृत ऑप्ट करिए, संस्कृत एक सब्जेक्ट है, आप खुद भी सिर्फ पास होने लायक पढ़ लेते थे क्योंकि वो सिनेरियो ही नहीं डेवलप किया गया, वो ऐसा टीचर ही नहीं दिया गया, वैसा गुरु ही नहीं प्रदान किया गया, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते थे कि संस्कृत पढ़ाई जाए और संस्कृत में कोई बच्चा रुचि ले और आगे बढ़े, संस्कृत का ज्ञानी बने। दुनिया के बाहर के बड़े बड़े देश जो हैं, वहाँ एक यूके में एक स्कूल है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने डाटा शेयर किया था कि मैं उनकी कथनी का ही बता रहा हूँ, कि वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि मैं स्कूल में सुबह सुबह बच्चों की मॉर्निंग प्रेयर में संस्कृत के श्लोक इंक्लूड करवाता हूँ जिससे ब्रेन की क्षमता, ब्रेन के कुछ पार्ट्स की क्षमता 250% से ज़्यादा बढ़ जाती है, ये नंबर अप डाउन हो सकता, मतलब कई गुना बढ़ जाती है, कई 100 गुना बढ़ जाती है, समझिए। वो कुछ ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, जिससे आप बाकी की चीज़ें मतलब पूरा दिन क्रिएटिविटी से भर सकते हैं, आपकी क्षमताएँ बढ़ जाती हैं। I studied it since I was at school, aged 4, and I fell in love with it because of its beauty, its sundaram, and its purity, its shuddha, and it spoke to my hridaya, my heart. Right now, idanim, pratidinam, every day, sanskritam vadami, I speak Sanskrit. Every morning I wake up, I chant Sanskrit. Every evening before I go to sleep, I sing Sanskrit. Shuddho si buddho si niranjano si samsara maya parivarjito si samsara swapnam tyaja moha nitram madala solla panuvacha putram madala solla panuvacha putram। और हमारे यहाँ अंग्रेजी में प्लेस लिवाई जाती है और कुछ हिंदी की कविताएं गवाई जाती हैं, हिंदी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपनी भाषा है। और सबसे अहम चीज़ आप लोगों को पता है हमारी भाषा को मारने के लिए क्या की जा रही है हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, आप बताएंगे, अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल शेयर करेगा, या फिर कोई
पार कर चुका है स्टूडेंट लाइफ, तो कन्फर्म कर सकता है इस चीज़ को। मेरे साथ खुद हुआ है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने 2-3 स्कूल चेंज किए हैं, उसके बावजूद मैंने हर स्कूल में ये चीज़ देखी है कि ये हुआ है। क्या घटना है, स्कूल में आपको अंग्रेजी बोलनी पड़े कंपल्सरली, उसके लिए आपके हिंदी बोलने पे फाइन लगाया जाता था। मतलब भारत राष्ट्र में, अखंड भारत में, जो भाषा इस देश से निकली है, जो देश इस भाषा की जननी है, उसी देश में आप हिंदी बोलते हैं अगर, तो आप पे जुर्माना लग सकता है। ये कोई कानूनी जुर्माना नहीं है, स्कूल अपना फाइन लगाता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, पहले शायद 1-2 रुपये लगता था। मतलब ये है कि बच्चा अपनी भाषा को बोलने में एक गिल्ट फील करे, एक डिसअपॉइंटमेंट फील करे, एक शेम फील करे। और मैंने भी कई बार फील शेम फील की है कि भाई मैं हिंदी बोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे। लोग सोचते थे कि इंग्लिश बोलना तो कूल है, इंग्लिश बोलना तो हमारे स्टैंडर्ड के बराबर आना है, इंग्लिश बोलना तो सभ्य होना है, और हमारी भाषा बोलना मतलब कोई जुर्म कर दिया, आपको फाइन देना पड़ गया। इस चीज़ को आज के परिप्रेक्ष्य में लेके देखिए, और उस वक्त के थॉट प्रोसेस को लेके देखिए कि किसी पेरेंट ने, किसी गार्जियन ने, इनफैक्ट मेरे भी गार्जियन ने इस बात का विरोध नहीं किया, उल्टा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे गार्जियन से, या सबके गार्जियन से जिसको उसको फाइन देना पड़ता था, या जो जो हिंदी ज़्यादा बोलता था, मैं जानबूझ के रूड होकर हिंदी ज़्यादा बोलता था, तो फाइन के लिए बात की जाती थी कि देखिए इतना फाइन हुआ, आपका बच्चा हिंदी बोलता रहता है, और कंप्लेन भी हिंदी में ही कर रहे हैं वो लोग। इतनी भी वो नहीं है, कर्टसी नहीं है कि जिस भाषा की कंप्लेन कर रहे हैं उसी भाषा में कर रहे हैं, और तब भी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही। खैर, मैं पूरे भारतवर्ष से आग्रह करना चाहता हूँ, ये वीडियो 2-3 पर्पसेस थी। पहला पर्पस आप सबको धन्यवाद देना, दूसरा पर्पस आप सबको ये बताना कि हमारे संस्कृत भाषा का कितना महत्व है। आप सब सरकारी फ्री सुविधा, कम से कम फ्री सुविधा का लाभ उठाते हुए संस्कृत भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीखें, और हमारे ग्रंथों को मतलब कंठस्थ करें, याद करें, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि संस्कृत बोलने से जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उससे आप क्रिएटिव बने, स्किलफुल बने, भारत को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। और हमारी भाषा को जो डेड लैंग्वेज बनाने में लगे हुए लिबरल्स और सेकुलर्स हैं, उनके मुंह पे इतना बड़ा तमाचा नहीं, लात जूता चप्पल सब मार दें, और उनको दिखा दें कि संस्कृत इज़ नॉट अ डेड लैंग्वेज, बल्कि संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। संस्कृत भारत की ही नहीं, दुनिया की सारी भाषाओं की जननी है। हाँ, अरबी और इनका हम ठेका नहीं लेते। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको कुछ सेंस समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपके साथ भी ये घटना हुई है, होती आई, या आपके घर के किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप पूछिए उससे क्या हो रहा है, उसको रोकिए, इमीडिएट इफेक्ट से रोकिए। आपका बच्चा भविष्य में हिंदी बोलने में शर्मिंदा महसूस करेगा, आपसे बात करने में शर्मिंदा महसूस करेगा, आपके घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उससे बात करने में शर्मिंदा महसूस करेगा, क्योंकि हिंदी में बात करनी पड़ेगी। मॉडर्न होना और भाषा का चयन करना, इसमें फ़र्क है, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी रिसर्च यही कहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो समझना इम्पॉर्टेंट है या किसी अन्य भाषा में समझना इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब अपना समर्थन बरकरार रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करिए, ये प्रथा बंद होनी चाहिए, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन अनिवार्य है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।